यकी चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले, सच की लेकिन गवाही जो धरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा सच को ही सजदा करूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर जाने माने समाज सेवी एवं राजनीतिज्ञ गजानन तिवारी अहिल्या नारी निकेतन में एक नए हॉस्टल का शिलान्यास करने आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि गजानन जी आ चुके हैं। अरे अरे नमस्कार। क्या कर रही हो बेटा? अच्छा, बंद कमरे में जाने मन और सबके सामने बेटी? अरे सायरा क्या हो गया? क्या हो गया सायरा? क्या कर रही है सायरा? इस नारी निकेतन में तेरी 6 और बेटियां हैं, उन सब की तरफ से तुझे ये तोहफा। अरे देख क्या रही, क्या बदतमीजी है ये? ये बेलाल है लड़कियों का। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सॉरी सर। सर, मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी थी, ये सब क्या है? फिनिशर, अच्छा फिनिशर। अब देखिए इसके बारे में मैं क्या कहूं। पहले तो ऐसी लड़कियां अपनी इज्जत का सौदा करती हैं और बाद में हम जैसे इज्जतदारों की पब्लिक में इज्जत उछालती है। लेकिन गजानन जी, आप किस पर यकीन करें? मुझ पर, जिसे जनता जनार्दन ने 3-3 बार अपना प्रतिनिधि चुना, या उस लड़की पर जो 5-स्टार होटल में गलत काम करते हुए पकड़ी गई, जिसकी वजह से उसे नारी निकेतन भेजा गया? लेकिन आप उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? वो तो मैंने पता लगवाया। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ सूचना चाहिए तो आप पुलिस स्टेशन से पता लगा सकती हैं। लेकिन वो लड़की तो पिछले 3 दिन से नार निकेतन से गायब है, कहाँ गई वो? अब ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। देखिए, वो अगर लड़की इतनी साफ है, अच्छी है, तो अचानक नारी निकेतन से कैसे गायब हो गई? कीजिए, ब्रेक न लगी होती तो आपकी जान। क्या हो रहा है? ये किसने किया? जाकिर, क्या कौन जाकिर? हाँ, उससे बात करो। जाकिर मेरे, हाँ बोलो, हाँ उससे बात करो, बताओ। मैं आपसे
कह रही हूँ ना। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, आपका पहला अंदाजा सही था। क्या हुआ इंस्पेक्टर सिद्धार्थ? आपका पहला अंदाजा सही था। लड़की का असली कातिल उसका भाई जाकिर है। लग गया कि मेरा मर्डर होने वाला है, इसलिए उसने कागज के छोटे टुकड़ों पर लिखा कि मेरा कातिल मेरा भाई जाकिर है। फिर उन्हें प्लास्टिक के छोटे पैकेट्स में सील किए और निकल गई। और प्लास्टिक के पैकेट्स में बंद होने की वजह से पोस्टमार्टम के दौरान वो कागज सुरक्षित मिले। कि वही लड़की है ना जिसने पॉलिटिशियन गजानंद तिवारी पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का इल्जाम लगाया था। हाँ, मैं उसके भाई जाकिर से मिलना चाहती हूँ। मेरी बहन महीनों तक बड़े लोगों की हैवानियत का शिकार होती रही, मगर एक दिन उसने बगावत कर दी और इसी वजह से उसे नारी निकेतन भिजवा दिया गया। लेकिन वो डरी नहीं, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने उन लोगों के खिलाफ बोलने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन दरिंदों ने उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। और अब वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मगर आप मुझे क्यों बचाना चाहती हैं? जाकिर, तुम्हारी बहन ने मेरे सामने ही दम तोड़ा था और मरते वक्त उसकी जुबान पर तुम्हारा नाम था। पता नहीं वो क्या कहना चाहती थी। उज्ज्वला जी, वो अपने आखिरी वक्त मुझे बचाने की गुहार लगा रही थी, मगर मैं कितना ना करा भाई, कितना ना करा, वो अपने आखिरी वक्त मुझे बचाना चाह रही थी और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। हिम्मत मत हारो, तुम्हारी बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा, पर उससे पहले तुम्हें इस केस से बरी कराना होगा। क्या हुआ जाकिर? कुछ नहीं, आज खुदा पे मेरा यकीन पक्का हो गया। उज्ज्वला जी, मेरी बहन मरी नहीं, बस उसकी शक्ल बदल गई है, पर अब वो मेरे सामने बैठी है।
योर ऑनर, कुछ लोग लालच के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, अपने सारे रिश्ते नाते भुला बैठते हैं। कटघरे में खड़ा ये इंसान ऐसा ही एक शख्स है जिसने पहले तो अपनी बहन से जिस्म फरोशी का काम करवाया और जब उसने विरोध किया तो बड़ी बेरहमी से अपने ही हाथों से उसका कत्ल कर दिया। हाँ तो जाकिर खान, क्या तुम अदालत को बता सकते हो कि 9 मार्च से 14 मार्च के दौरान जब तुम्हारी बहन नारिनी केतन से लापता थी उस वक्त तुम कहाँ थे? तुम्हारे पड़ोसियों का ये कहना है कि उन दिनों तुम भी अपने घर पर नहीं रहते थे। मैं अपनी बहन की तलाश कर रहा था। ऐसा कोई सबूत है तुम्हारे पास जिससे ये साबित हो सके कि तुम वाकई अपनी बहन को ढूंढ रहे थे? और अगर ऐसा ही था तो तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सायरा लापता अहिल्या नारिनी केतन से हुई थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का काम नारिनी केतन के लोगों का है, मेरे क्लाइंट का नहीं। योर ऑनर, सायरा पहले भी एक दो बार नारिनी केतन से भाग चुकी थी और बाद में खुद ही वापस आ गई थी, इसलिए उन लोगों को लगा कि शायद वो वापस आ जाएगी। मिस्टर गैरोला, आप अपनी ही बातों में फंस रहे हैं। पहले आपने कहा कि मेरे क्लाइंट ने कोई पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की, और अब आप कह रहे हैं कि नारिनी केतन के लोगों ने कंप्लेंट इसलिए नहीं की क्योंकि सायरा पहले भी वहां से दो बार भाग चुकी थी और फिर अपने आप वापस आ गई। है कोई सबूत आपके पास इसका? क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में तो ऐसी कोई भी बात दर्ज नहीं। योर ऑनर, कई सारी बातें अनऑफिशियली भी सॉल्व की जाती हैं। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए नारिनी केतन के ऑफिशियल्स को गवाह के तौर पर बुला सकता हूँ। कानून सिर्फ ठोस सबूतों पर ही कार्रवाई करता है, ऐसा आप ही कहते हैं। और रही बात गवाही की, तो सारा की किडनैपिंग और उसकी हत्या नारिनी केतन के किसी स्टाफ की गलती की वजह से या फिर उन्हीं में से किसी एक ने करवाई है, इसलिए उनकी गवाही कोई मायने नहीं रखती। योर ऑनर, ये जाकिर खान जो बार बार सायरा को अपनी बहन बता रहा है, दरअसल वो उसका भाई है ही नहीं। बताओ जाकिर, क्या ये बात सच है या नहीं? सर, सायरा मेरे लिए बहन का और एक बेटी ज्यादा थी। जिस रिश्ते को निभाने में इतने साल लग गए, इतने साल, आज आपने उस पाक रिश्ते को एक पल में सौतेला बना दिया। योर ऑनर, ये बात कोई मायने नहीं रखती कि जाकिर और सायरा सगे भाई बहन थे या सौतेले। यहां बहस इस बात को लेकर है कि जाकिर ने सायरा का कत्ल किया या नहीं। योर ऑनर, जाकिर ही सायरा का कातिल है और इसकी सबसे बड़ी गवाह है सायरा खुद। सर जी, एक गल दसो, हम यहाँ ढूंढ क्या रहे हैं? अरे यार, सायरा को यहीं पर किडनैप करके रखा था ना, हमें यहीं से क्लू मिलेगा काके। अरे लेकिन सायरा मर्डर केस की बहस तो अपने आखिरी दौर पे पहुंच चुकी होगी सर। यार, कुलिंदर कौर कहंदी सी हिम्मत है मर्दा। अरे ते मदद है खुदा, पाबीदा कहना सही है सर जी, लेकिन गरोला की करें, वो केस जितने वास्ते कदों नया पासा फेंक दो, कोई भरोसा नहीं है। ओए सुन, ए छोटू, क्या नाम है तेरे? छोटू चाय वाला। ओ काका, तू जा, मैं चाय नहीं पीनी, चल शाबाश चल। अरे सुन सुन सुन, हाँ तू यहाँ पर रोज आता है? हाँ। तूने कुछ दिन पहले यहाँ किसी लड़की को देखा था? कौन? सायरा दीदी।
क्या हुआ सर जी? काके जी, उज्ज्वला का फोन नहीं लग रहा यार। अरे कोर्ट में होंगे मैडम। काके हाँ। तू इसे लेकर तुरंत कोर्ट चला जा, देर हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। ना मेरे शेर। चल, 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 जल्दी जल्दी तुरंत चल मेरे शेर। यार ये क्या हुआ फोन को? योर ऑनर, सायरा जिंदा नहीं है, लेकिन मरने से पहले इंसाफ की उम्मीद से वो अपनी गवाही दे चुकी है। ये देखिए, पुलिस को पोस्टमार्टम के दौरान सायरा के पेट से छोटे छोटे प्लास्टिक के सील्ड पैकेट्स मिले, जिसमें कुछ कागज के टुकड़े हैं। ये देखिए, इन पर लिखा था योर ऑनर कि मेरा कातिल मेरा भाई जाकिर है। यही आखिरी कोशिश थी योर ऑनर उस मासूम की, अपने धोखेबाज सौतेले भाई को सजा दिलवाने की। यह ऐसा सबूत है जिसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता योर ऑनर, यहां तक कि डिफेंस लॉयर भी नहीं। भाई साहब फटाफट चलो यार। सायरा के पेट में से जो कागज के टुकड़े मिले हैं उन पर लिखा है कि मेरा कातिल मेरा भाई जाकिर है। इससे बड़ा सबूत मेरे क्लाइंट की बेगुनाही का और क्या हो सकता है रौनक? जी हाँ योर ऑनर, इससे साफ हो जाता है कि जाकिर ने अपनी बहन सायरा का खून नहीं किया है। इसके खिलाफ ये सब कुछ उसे फंसाने के लिए प्लांट किया गया है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि सायरा तो पढ़ना लिखना जानती ही नहीं थी। कमाल है, एक ही पल में आपने इस लड़की को अनपढ़ बना दिया। कोर्ट सबूत मांगता है मिस उज्ज्वला। योर ऑनर, ये है सायरा के राशन कार्ड और उसके घर के लीव इन लाइसेंस की कॉपी, जिस पर उसके दस्तखत नहीं बल्कि अंगूठे के निशान है। और मिस्टर गरोला, कम से कम मैंने तो ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो पढ़ना लिखना जानने होने के बावजूद अंगूठा लगाता हुआ फिरे। यानी कि कातिल ने पहले ये सब कुछ लिखकर प्लास्टिक में सील किया, जबरदस्ती सायरा को खिलाया और फिर बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला। और ये सब कुछ इसलिए किया गया योर ऑनर ताकि एक भाई अपनी बहन की मौत का इंसाफ तक ना ले सके। लेकिन आज इस अदालत में इस भाई को इंसाफ मिलकर रहेगा। उज्ज्वला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। एक बात बताऊं, मेरी अम्मी बचपन में मुझे फरिश्तों के किस्से सुनाया करती थी। अगर आपको देखने के बाद पता चला है कि फरिश्ते असल जिंदगी में भी होते हैं। काम फरिश्तों का नहीं सच का है, हकीकत हो या किस्से, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ये जीत, ये जंग मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी की वजह से जीती है। अभी तो हमने सिर्फ मोर्चा जीता है, असल जंग तो अभी बाकी है। सायरा के कातिल अभी भी बाहर खुले घूम रहे हैं। मैडम ये, हाँ बरी हो गए, सच्चाई जीत गई। सच्चाई नहीं जीती मैडम, इस बार जीत मक्कारी की हुई है।
इस बार जीत मक्कारी की हुई है, ये असली कातिल है। आपको मालूम है ना, मैडम हिंदुस्तान में सिर्फ दो चीज चलती हैं, एक पैसा और दूसरा इमोशन। अब मेरे पास पैसा तो नहीं था, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं गैरोला को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता। पैसा नहीं था इसलिए मैंने आपको इमोशनल कर दिया। पर एक बात है, आप वकील बहुत अच्छे हैं। आपने कहा था कि आप मुझे छुड़वाएंगे और आप मुझे छुड़वा कर ही माने। आप बहुत आगे तक जाएंगे। खुदा हाफिज। आगे तक जाएंगे। मैम प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। भारती, मैंने एक गुनहगार को बरी करवाया है। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? मगर गलती इंसान से ही होती है। मगर सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलती सुधार ले। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कैसे कहेंगे आप दुनिया के सामने कि आपने एक गुनहगार को बरी करवाया? कहूंगी मैं अपनी गलती दुनिया के सामने लाऊंगी, कहूंगी मैं। कौन मानेगा उसे? यहां तक कि डिफेंस लॉयर होने की वजह से कोर्ट से एक रीट्रायल के लिए भी नहीं कह सकते। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जब रास्ते बंद हो जाएं तो अपने रास्ते नए बनाने पड़ते हैं। एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। मुझसे क्या मदद चाहती हो? सर, आप हाई कोर्ट में सायरा मर्डर केस के रीट्रायल के लिए अपील कीजिए। जाकिर के खिलाफ सबूत मैं आपको लाकर दूंगी। फिर तुम इस जीते हुए केस को हार जाओगी। केस जीतने से ज्यादा जरूरी है जाकिर जैसे मुजरिम को सजा दिलवाना। हाँ, लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन एज ए लॉयर खत्म हो जाएगी। और अगर ये केस ना खुला, जाकिर को सजा ना हुई, तो इंसान के तौर पर मैं खत्म हो जाऊंगी। आप नहीं जानते, जब से मैं ये केस जीती हूं मैं सो नहीं पाई हूं।
तुमसे हारने के बाद मैं भी नहीं सो पाता हूं सर। यस, मिस उज्ज्वला रावत, इस केस को जीतने के बाद जो तुम्हारा हाल है ना, वही दर्द हमेशा तुमसे केस हारने के बाद मुझे महसूस होता है। आज तुम्हारी इस जीत ने मेरी सारी हारों को भुला दिया है। अब तुम्हें मदद करके मैं अपनी इस खुशी को कम करना नहीं चाहूंगा। जिंदगी भर तुम्हें इस गिल्ट के साथ रहना पड़ेगा कि तुमने एक गुनहगार को बरी करवाया है। सच का मसीहा ने सच को ही मिटा दिया। वाह, मैम आपको जाना नहीं चाहिए था गैरोला के पास। हमने उसे बैठे ही बैठे खुश होने का मौका दे दिया है। मगर भारती वही एक इंसान है जो जाकिर का केस रीओपन करा सकते थे। जाकिर जैसे इंसान को खुलेआम घूमने का कोई हक नहीं। जब एक गुनहगार सजा से बच जाता है तो वो और भी बड़ा गुनाह करता है। पर जाकिर अकेला तो नहीं होगा, उसके सेक्स रैकेट में कई बड़े लोग शामिल होंगे। बिल्कुल होंगे। नारी निकेतन के प्रोग्राम में सायरा ने गजानन तिवारी, जो पॉलिटिशियन है, उसके ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया था और उसने ये भी कहा था कि उसके चंगुल में और भी लड़कियां फंसी थी। मुझे लगता है सायरा को कोई गलतफहमी हुई थी, क्योंकि गजानन तिवारी ऐसे हो ही नहीं सकते। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं उनको जानती हूँ। उनकी बेटी महिमा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ चुकी है और वो बिल्कुल आपकी तरह है, हमेशा सच के लिए लड़ती है। मगर जरूरी तो नहीं कि बाप भी बेटी की तरह ही हो। मगर जो कुछ महिमा करती थी उसके पिताजी ने उसे सिखाया था। अरे बेटा, लोगों को तो हम बहुत सी चीजें सिखाते हैं। अगर हम भी उसी रास्ते पे चलने लगे हैं भाई, तब तो हमारे जीवन का बंटा धार हो जाएगा। हाँ, वो तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप पब्लिक को चक्रम बनाते रहते हैं। चक्रम नहीं बेटा, सही रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करवाते हैं। देख बेटा, मदारी बंदर को नाचना सिखाता है लेकिन खुद कभी नहीं नाचता, क्योंकि बंदर के नाचने से मदारी और बंदर दोनों की रोजी रोटी चलती है। अगर जिस दिन मदारी ने नाचना शुरू कर दिया, लोग तो कहेंगे मदारी पागल हो गया है। बहुत उस्ताद आदमी है आप। उस्ताद नहीं बेटा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। मैं जानता हूं बेटा, आजकल तू मुझसे बहुत नाराज, और बिल्कुल सही बात है, नाराज भी होना चाहिए, क्योंकि तू जब अंदर था मैं देश के बाहर था। लेकिन क्या करता बेटा, मैं क्या करता? इसमें गलती किसकी थी? ना तेरी ना मेरी, गलती थी तेरी बहन की। और बेटा, सुधार भी तो तुझे ही करना है ना, तो पार्टी के सारे नियम अच्छी तरह से जानता है। फिकर मत कर, अब तू आ गया है, अपना धंधा फिर से जम जाएगा। और नहीं तो क्या, इसलिए तो मैं इधर आया हूं। बता बेटा, क्या काम है? इन लड़कियों का पासपोर्ट और वीजा निकलवाना है। तूने मुझे ट्रैवलिंग एजेंट समझा है क्या? गल्फ की पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी। अगले हफ्ते तक किसी भी कीमत पे 4 हाईफाई लड़कियां पहुंचानी है। वो मांगा पैसा दे रहे हैं वो लोग। अगर आपने एक बार उनका काम कर दिया ना, तो आपका जो फॉरेन अकाउंट है ना, उसमें आपकी दक्षिणा अपने आप जमा हो जाएगी।
अगर आपने इन लोगों के साथ एक बार रिलेशन बना लिया ना, तो जब भी आप इन लोगों के देश में जाएंगे तो आपको सर आंखों पर उठाकर रखेंगे। पैसे की कमी नहीं है उन लोगों के पास, बस प्यार के भूखे हैं। ठीक है, फोन करता हूँ। फोन मत करना। अब फोन भी नहीं करूं, मिलो भी नहीं, तो धंधा कैसे करेंगे हम लोग? बोलिए। बहुत बड़ी पार्टी है, काम अर्जेंट करना है। मैं तो एडवांस लेके पहले ही उड़ा चुका हूं। अब अगर उनका काम नहीं किया ना, तो छोड़ेंगे नहीं वो लोग मुझे। देख, ये तेरा प्रॉब्लम है, तू जा यहां से, भाग, पकड़े। ठीक है, चलता हूं। खुदा हाफिज। कौन था पापा? कौन? ये हमारी पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता। पैसे की कमी नहीं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए अभी और इसी वक्त। सर, सर हमारी पूरी फोर्स लगी हुई है, चारों तरफ नाकाबंदी हो चुकी है, वो बच के नहीं जा पाएंगे। वैसे आपको किसी को शक है? सर, ये कुछ चीजें मिली हैं। क्या ये? कहां से मिली है ये? तो महिमा की है। सर, उसी जगह से जहां सायरा को किडनैप करके रखा गया था। सर, वेन का पता चल गया सर, जिससे महिमा मैडम का किडनैप किया गया था। वो किसी जाकिर खान नाम के आदमी का है। जाकिर खान? क्या देख रहा? आपकी बेटी महिमा। कहीं ये वो जाकिर तो नहीं जो सायरा का भाई है? हाँ सर, वो वही आदमी है सर। सर, अब वो बचेगा नहीं। चलो। देखो सर, लगता है जाकिर भाग गया। भाग के जाएगा कहाँ? होगा यही कहीं होगा। सर, वो खिड़की से कोई भागा है। जाकिर! बोल रहे हैं। देख, ज्यादा बकवास मत कर और ये बता कि मेरी बेटी कहाँ है। क्या हुआ बेबी को?
देख, तूने आज तक जो भी काम किया है पैसे के लिए किया है, और आज तूने पैसे के लिए मेरी बेटी को उठा लिया। ये आप क्या बोल रहे हैं कजन जी? आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है। चुप कर, मैं जानता हूँ कि तूने अपनी बहन के साथ क्या हाशिर किया है, लेकिन लेकिन वो खून भी तो मैंने आप ही के कहने पे किया था ना। शट अप, तूने आज तक जो भी काम किया है ना सिर्फ पैसे के लिए किया है। हमारे पास तुमने लड़कियां भेजी सिर्फ पैसे के लिए, और रही बात सायरा के मरने की, अगर तू उसे नहीं मारता ना तो वो तुझे भी मेरी तरह सबके सामने नंगा कर देती। खजाने जी, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैंने आपकी बेटी का किडनैप नहीं किया। बकवास बंद कर, बस तुझे एक बात मैं बता दूं, तू अब बचने वाला नहीं है। हाँ, गजानन की बेटी महिमा को कहां छुपा रखा है? अरे मैं उनके साथ सालों से काम कर रहा हूं, मैं उनकी बेटी को क्यों उठाऊंगा? तू ऐसे नहीं बताएगा, तू ऐसे नहीं बताएगा। देखो देखो, मैं गजानन जी का सबसे वफादार आदमी हूं, मैंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। अरे उन्होंने बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए लड़कियां भेजकर अपने अपने बहुत सारे काम बनवाए, और ये सारे काम उन्होंने मेरे जरिए किए हैं। यहां तक कि एक बार मैंने उनके लिए अपनी बहन को भेजवा दिया। महिमा मेरे कॉलेज की सहेली है, और इसने हमेशा सच का साथ दिया। जब मैंने इसे इसके पिता के बारे में बताया तो पहले इसने यकीन नहीं किया, मगर फिर सच को सामने लाने के लिए इसने हमारा साथ दिया। तुम लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, गजानन जी बहुत पावरफुल इंसान है, बहुत पावरफुल। सही कह रहे हो तुम, इसलिए अब तुम हमारा साथ दोगे। क्यों, मैं क्यों तुम्हारा साथ दूंगा? क्योंकि अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। पुलिस को महिमा तिवारी के खून से सने हुए कपड़े मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जाकिर खान ने महिमा की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, और कई लड़कियों ने मीडिया के सामने जाकिर के खिलाफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के चार्जेस लगाए हैं। जाकिर को तो बड़े लोगों का सपोर्ट हासिल है, मगर हम और चुप नहीं रहेंगे, चाहे हमारी इसमें जानी क्यों ना चली जाए। बहुत हो गया, अब अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो जाकिर को हम खुद ही मार देंगे। लगता है जाकिर के खिलाफ गुस्सा और बढ़ते जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जाकिर अभी भी शहर में है, और पुलिस को उसे देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। मैं नताशा, कैमरामैन डी देव के साथ 24 न्यूज। जाकिर, अब तुम्हें जाना है तो जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा,
ये लोग तो मुझे मार देंगे, मेरी जान ले लेंगे, ये कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा कि महिमा जिंदा है। मैं मार नहीं जाऊंगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, भारती जी मुझे बचा लीजिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता जाकिर, हम भी नहीं। ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मैं अपना हर जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मुझे बचा लीजिए खुदा के वास्ते। तुम अपना गुनाह दुनिया के सामने कबूल कर लो तो शायद सायरा की रूह तुम्हें माफ कर दे और तुम फांसी से बच जाओ। जाकिर खान ने ना सिर्फ मीडिया के सामने अपने और पॉलिटिशियन गजानंद के टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन सुनाए, बल्कि गजानंद तिवारी के उस विदेशी बैंक अकाउंट का डिटेल भी दिया जिसमें सेक्स रैकेट से कमाए गए पैसे जमा होते थे, और ऐसे भी सबूत पेश किए जिससे गजानंद तिवारी के सारे गैरकानूनी काम सामने आ गए। और इस पूरे ऑपरेशन में उज्ज्वला रावत का साथ दिया खुद गजानंद तिवारी की बेटी महिमा ने। क्यों किया, क्यों किया बेटा ये सब? क्यों किया बेटा? मैं कहीं को नहीं रहा। पापा, मैंने वही किया जो आपने मुझे सिखाया कि हमेशा सच का साथ देना।